नमस्कार, राहुल योगी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कमर दर्द के बारे में कि जो मस्कुलर पेन होता है कमर के अंदर, उसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। हम आज आपके जो पूरी कमर होती है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जैसे हमारे डिस्क की प्रॉब्लम है, जो लोअर बैक के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों साइड में जो कमर का दर्द होता है उसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। मेरुदंड के कुछ अभ्यास हैं और वक्रासन है जिनके द्वारा हम अपने मस्कुलर पेन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए, वह कौन से आसन है जिनसे हम अपने कमर दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, या फिर किसी को पेट में गैस बनी रहती है, पेट में उफारा रहता है, यानी कि हमारा पेट फूला हुआ रहता है, खाना खाने के बाद में बैठा भी नहीं जाता, हमसे पेट इतना टाइट हो जाता है, तो उसको में भी बहुत ही ज़्यादा हमारे को रिलीफ मिलेगा इन अभ्यासों से। वह हम चलते चलते किसी को झटका आ गया है या कमर के अंदर ज़्यादा अकड़न है, आगे हम झुक भी नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसको हम इन अभ्यासों के द्वारा उस दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकेंगे। नंबर वन है हमारा वक्रासना। वक्रासन, वक्रासन को कैसे करना, विधि को अच्छे से देख लीजिए। आसनों के नाम को नहीं देखना है बल्कि विधि को हमें अच्छे से देखना है। एक पैर हमारा सीधा, स्पाइन को सीधी रखेंगे, यानी कि कमर को हम सीधा रखेंगे, एक पैर को बेंड करेंगे, अपने घुटने के पास पंजे को लेकर के आए, फिर जो हमारा पैर सीधा है उस हाथ को सीधा करेंगे और अच्छे से अपने घुटने के ऊपर से एल्बो के ऊपर इस घुटने के हाथ को बेंड करेंगे, स्पाइन को सीधा करें, अपने पेट से अपनी छाती को ट्विस्ट करना है अच्छे से जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं, एक हाथ पीछे की ओर रखना है और घुटने को अपोजिट पैर की तरफ हमें दबा करके रखना है, और पीछे जो हमारा हाथ है उसके कंधे के ऊपर से पीछे की ओर हमें देखना है। इस अभ्यास में हमें होल्ड करना है, जितनी देर हम होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें, उसके बाद में रिलैक्स, इसी के अपोजिट पैर से भी हमें करना है, दोनों साइड से करना है, ये ध्यान में रखें, एक साइड से अभ्यास को नहीं करना है, दोनों साइड से अभ्यास को करेंगे, तीन तीन बार अभ्यास को करना है, और जितनी ज़्यादा देर तक हम होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करें। नंबर दो, कमर के बल लेट जाएं, साइड से करवट लेते हुए कमर के बल लेट जाएं, अपने पैरों को बेंड करेंगे, पैरों को मिला करके रखें, पैरों को मिला करके रखना है, उसके बाद में दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करेंगे और अपने सिर के नीचे इस प्रकार से हाथों को लगाएं, फिर अपने पैरों को राइट साइड में ले जाइए और ज़मीन पर घुटने रखने का प्रयास, अपना फेस लेफ्ट साइड में, शोल्डर अपने ज़मीन पर लगे रहें, यह ध्यान में रखें, जिनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक अभ्यास है, फिर अपोजिट साइड में इसी प्रकार से तीन तीन बार इनका अभ्यास करना है दोनों साइड में, जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड रख सकते हैं होल्ड रखें, उसके बाद में रिलैक्स करें, तीन तीन बार अभ्यास करने के बाद में फिर अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए, पैरों को इतना खोलना है कि अपना जो लेफ्ट घुटना है वह राइट पैर के पंजे के ऊपर आए, और अपने दोनों हाथों को भी साइड में फैला दीजिए इस प्रकार से, यानी कि अपना लेफ्ट घुटना राइट पैर के पंजे के ऊपर और राइट हमारा घुटना जो है वह ज़मीन के ऊपर और अपना फेस अपोजिट साइड में, जितनी ज़्यादा देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें, फिर अपोजिट साइड से इसी अभ्यास को दोहराएंगे, शोल्डर ज़मीन पर लगे रहें यह ध्यान में रखें, तीन बार इसका अभ्यास करना है, और जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड रख सकते हैं होल्ड रखें, सिर्फ आप इतना करने से आप अपने कमर दर्द को बिल्कुल कुछ ही दिनों में ठीक कर सकते हैं, ये ध्यान में रखें, फुली कमर के लिए नहीं है, जो भी अपना मस्कुलर पेन है यानी कि जो मसल का पेन है सिर्फ उसके लिए ही आपको अभ्यास बताए हैं, सिर्फ इतना करने से आप अपने दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकेंगे। जय हिंद, वंदे गो मातरम।